all of you, welcome back to the channel, welcome back to the new video. Yeah. तो भाई आज है छुट्टियाँ, छुट्टियाँ शुरू है भाई क्रिसमस न्यू ईयर की. जो जो ये व्लॉग देख रहे हैं, सबसे पहले तो सबको क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. क्योंकि ये व्लॉग जब तक आएगा तब तक शायद से न्यू ईयर हो ही जाएगा भाई. एनी वेज, तो हमारी छुट्टियाँ शुरू हो चुकी है. आयरलैंड के लिए तो भाई ये दिवाली जैसा त्यौहार है ना. या गाइस, यस वी आर बैक. और नया ट्रैवलिंग व्लॉग है भाई, हम घूमने जा रहे हैं. मेरे कपड़े देख लो, सही लग रहे हैं ना मेरे ये एकदम जम्पर जुम्पर. ठीक है, क्रिसमस ही फील्स में जाएंगे एकदम घूमने. तो अभी मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं मेरे को पिक करने और हम जा रहे हैं थोड़ा कॉक साइड जा रहे हैं. अभी तक हमारा कुछ प्लान नहीं है, मतलब प्लान है एक जगह का, तो जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे आपको दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं. अभी नहीं बताते, ठीक है, मतलब बनाने का पता लग ही जाएगा. सो हम एक कैसल जा रहे हैं कॉक में, तो लेट्स सी पहले वहाँ जाते हैं और उसके बाद कहाँ जाते हैं, बिकॉज हमें समझ नहीं आ रहा. अगर आपने मेरे या ग्रुप बॉय 007 के ब्लॉग्स देखे तो, या अगर उनके भी नहीं देखे बट अगर मेरे इंस्टाग्राम पे जाके या कहीं भी देखे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जगह घूम ली है. ठीक है, और मोस्टली क्रिसमस के चक्कर में सब बंद थी यार, तो हमें अभी ये समझ आई है. तो लेट्स सी हम कॉक में कहाँ कहाँ और जाते हैं. मैंने देख तो रखी है जगह, बट लेट्स सी. और हमारा वापस आने का भी प्लान है आज ही. आई डोंट थिंक सो कि हम कहीं रुकेंगे, बिकॉज आई एम सैड. वाई आई एम सैड? बिकॉज भाई इतना प्यारा Airbnb था ना, इतना प्यारा. इट वॉज एक्सपेंसिव बट इट वॉज सो अमेजिंग. एंड Airbnb द होस्ट हैज कैंसल्ड दैट बिकॉज ऑफ सम स्टूपिड रीजन. आई एम वेरी सैड. तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा था. तो अभी के लिए हमारा, क्योंकि हमारा थोड़ा सा लाइक ऑफ हो गया बिकॉज हमने सब प्लान कर लिया था, बट थोड़ा सा हम ऑफ हुआ है. सो लेट्स सी, बट ऑफ नहीं होना यार, इट्स क्रिसमस, इट्स न्यू ईयर. 10 दिन की छुट्टियाँ इसकी हैं, तो लेट्स गो. अभी बस नाश्ता लेके आया नीचे से, है ना, क्योंकि घर पर कुछ था नहीं, क्रॉसिस करनी है, बट इतना टाइम नहीं मिला, सो आगे करेंगे. ठीक है, और अभी हमने अपना चाय और वो सब बना लिया है. बैग भी फिर भी रख लिया है हमने कि भाई इनकेस अगर हम कहीं रुके या कुछ हुआ, सो है ना, बैग में एक एक जोड़ा रख लिया है, मैंने तो रख लिया है बिकॉज वी नो आर सेल्फ. बट हाँ, एनीवेज जो भी है, तो चलते हैं. अभी मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं, वो लोग गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो लेट्स गो. जब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ और फिर हम लोग चलते हैं घूमने. एकदम भी लेना होता तो भाई हमारे दोस्त यार आ गए हमको उठाने. ये लोग बहुत ही लेट हो गए, ठीक है, 11 बजे आए हैं, 9 बजे का बोल के, है ना भाई साहब. थोड़ा हमारे ड्राइवर साहब हमारे थोड़े से कैमरा फ्रीक है, ये आना नहीं चाहते हमारे ब्लॉग में. बट एनीवेज वी हैव नेहा इन द हाउस. नेहा से हाय. अरे तो ऐसे ही तो होता है. अभी डल गया, लाइव हो गया, लाइव हो गया, सबने देख लिया. तो गाइस हम जा रहे हैं. तुम हमें अच्छे व्यूज नहीं दे रहे हो, हमारा भरोसा उठ रहा है. आ चुके हम लोग कैसल में. पार्किंग पार्किंग कर दी हमने. फ्री की पार्किंग है ना भाई, फ्री पार्किंग कर दी हमने. और कैसल एंट्री करते ही बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है बाहर से तो, ठीक है. अब अंदर चल के देखते हैं कौन सा स्टोन है. हम आए हैं ब्लने कैसल भाई. यहाँ पे ना स्टोन है, ऐसे उल्टा लटक के ऐसे स्टोन को चुम्मी देनी होती है, तो देखते हैं कहाँ से देंगे चुम्मी. अभी चल के देखते हैं और इसके बारे में हिस्ट्री बताते हैं क्या है इसके बारे में हिस्ट्री. यो गाइस, यहाँ से होती है एंट्रेंस कैसल की, और काफ़ी अच्छा बना रखा है. और हमें टिकट्स और मैप मिल गए. हमने कराई है 16 यूरो की टिकट, स्टूडेंट टिकट कराई है. तो आप भी देखें ना, और आई थिंक स्टूडेंट आई डी कार्ड वगैरह दिखाना पड़ता है. तो 20 यूरो की आई थिंक नॉर्मल टिकट है. तो लेट्स सी, अभी तो एंट्रेंस ऐसा लग रहा है कुछ. भाई ये देखो गुस्से साथ ही क्या नज़ारे ही नज़ारे, पानी पानी, वाह वाह, हर गंगे गीला पानी भाई, मस्त एकदम. क्या नज़ारे है भाई, मज़ा आ गया देख के. अभी जाएंगे अंदर, पहले वॉशरूम फ्रेश फ्रेश हो लिए,
और जाके देखते हैं, काफी सुंदर तो लग रहा है नजारे, हाँ बढ़िया नजारे लग रहे हैं ना मेरे पीछे, बढ़िया आ रहे ना ये। और मैडम फोटो खींचनी शुरू हो गई है, फोटो खींचने के अलावा कुछ आता कहाँ है इन्हें। आगे चलते हैं और नजारे दिखाते हैं, भाई बहुत अच्छा है ये, अभी तक तो लग रहा है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस ये देखो क्या मस्त कैसल लग रहा है, बड़ा सा काफी सुंदर लग रहा है यार, मेरे को ये पहला कैसल सुंदर लगा है। मैं एक पहले कैसल में गया था और डबलिन वाला हमने देखा नहीं, बट हाँ ये थोड़ा सुंदर सा लग रहा है। अभी जाएंगे ऊपर क्या स्टोन के पास। ये देखो हम एंटर कर चुके हैं कैसल में, हिस्ट्री बताते रहेंगे और वही मैं पढ़ना चाह रहा हूँ क्या है यहाँ पे, बता तो रहे हैं। और स्टोन के लिए ऊपर जाना है तो लेट्स गो। इस कैसल का कॉर्नर्स है और वहाँ से देखने के लिए और वो सब के लिए बनाया था, मेरे यहाँ से बॉडी प्रोटेक्शन और वो, तो तभी ये बहुत हाइट पे भी है। लेट्स सी चल भाई, कितना छोटा रास्ता बना रखा है, मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। ओए मेरी थोड़ी इन चीजों में बढ़ती है, ओए देख के चढ़ी ब्रो, भाई बहुत छोटी होती जा रही है, आई थिंक सो। बल्ला बल्ला भाई, ऐसे किसी छोटे छोटे सीढ़ी से जा रहे हैं, टू किस द स्टोन। ऐसे बंद बंद जगहों में थोड़ी सी फटती डर लगता है भाई, बारिश में तो ये स्लिप हो जाता होगा अगर ये गीला होता होगा तो। इनकी वेबसाइट पर जाके टिकट, हाँ टिकट और क्या स्टोरी है वो मैंने पढ़ी नहीं वेबसाइट पर, बट अभी पढ़ेंगे तो बताते हैं। बट इज सो ह्यूज भाई, इतनी खतरनाक वीडियो थी, मैंने कितना वीडियो शूट करी है, तो ठीक है स्टार्टिंग में यहाँ पे तो ऊपर वाले से कोई तरह तरह बस पैर रखने की जगह थी, फिट भी नहीं आ रहे थे, बहुत छोटी छोटी सीटें थी, बट बस वो ये कि स्लिप हो तो लगती, बट हाँ ऐसा कुछ डेंजरस नहीं है, दैट्स ओके। सो हियर वी गो द स्टोन स्टोरी, बिल्ड बट मिसलीडिंग डॉग केम इन एंड सीड योर वे। गाइस माय शूज एंड द केव, भाई ये कोई केव थी पता नहीं भाई, अंदर मेरा मन तो नहीं कर, मेरा मन भी है बट कर भी नहीं रहा कि कुछ होगा क्या होगा। तो गाइस हम आए हैं कूब सिटी, ठीक है ये देखो क्या मस्त सिटी लग रही है। यहाँ पे हम टाइटैनिक एक्सपीरियंस के लिए आए हैं, हमने कैसल पे कर लिया है। आगे वाली वीडियो में मैं कैसल की हिस्ट्री बताऊंगी कि वो क्यों टूटते हैं, ठीक है। वो था कि उस पर राजा का वो पिल्लो था और आई थिंक वो बस वो था कि वहाँ से उसकी सीढ़ियाँ एक जगह की सीढ़ियाँ बना के वो हेवन में रही जाती, तो उसकी ये हिस्ट्री थी, सब किस करते हैं और शायद से विश वगैरह मांगते हैं। बट अभी हम आए हैं यहाँ पे कूब सिटी में टाइटैनिक एक्सपीरियंस लेने, तो कहाँ से जाने का इस। यो गाइस हम लोग आ चुके हैं होटल में, हमने होटल ले लिया वो और हम कूब घूमने गए थे, हाँ चल खोल। तो ये रहा हमारा होटल, हमने रिवर ली होटल लिया है और सांस भी कभी भाई ये तीन लोगों के लिए रूम है, मस्त अपना सिंगल सिंगल बेड एकदम मस्त, और प्राइस बढ़िया था ना नया, कैसा लगा तेरे को बेड? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने बुक करा तो ऑब्वियसली बात है, अच्छा लगेगा। हम ढूंढ ढूंढ के थक गए, हमको कहाँ जाए लेकिन हमें मिल गया और बहुत सही जगह, बहुत अच्छा, बल्कि हमको एयरबीएनबी से ज्यादा महंगा पड़ा था, हमें ब्रेकफास्ट भी मिला और इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है,
स्विमिंग इंक्लूडेड है, स्पा इंक्लूडेड है, जिम इंक्लूडेड है, सब कुछ है बस। हाँ मतलब प्राइस ठीक है, 180 का पड़ा है, बस 12 यूरो हमारे पार्किंग के लगे हैं। पार्किंग सही है, सेफ है ना, मतलब अंडरग्राउंड पार्किंग है तो उन्होंने लिया है। बाकी बेड वेड तो सही है और सब कुछ मिल, थोड़ा कॉफी, इंस्टेंट कॉफी है भाई। टीवी देख भाई, सैमसंग का कितना बड़ा टीवी दे रखा है। कुछ काम वाम करना हो तो कुछ काम भी कर सकते हो। छुट्टी पे आया हम, यहाँ पे दे रखा है लॉकर, चाय वाय का सामान है, फ्रिज में दे रखा है सामान, पानी वानी मस्त एकदम बढ़िया, सब बढ़िया है। और बाथरूम में अभी इट्स बिजी, बट बाथरूम में बाथटब है, बाथटब है एंड आई थिंक इट्स गुड आल्सो। हां गुड, अच्छा बढ़िया भाई। और कॉक सिटी क्या सुंदर सिटी है भाई, और डेकोरेशन सिटी और इतनी डेकोरेशन। अभी हम शायद से जा रहे हैं क्योंकि अभी तो कम ही टाइम हुआ है, तो अभी हम बाहर सिटी जा रहे हैं। मुस्कान थोड़ा मेकअप कर ले, टचअप कर ले, मैं थोड़ा टचअप वगैरह कर लूं, मुंह हाथ धो ले, फिर चलते हैं मस्त अपना सिटी घूमेंगे, कुछ खाने वाने का लेंगे, डिनर वगैरह, एंड स्पेंड द नाइट हियर, एंड टुमारो विल हैव मोर फन। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, नेहा रावत कैमरामैन के साथ। नेहा रावत कैमरामैन नहीं, नेहा रावत होस्ट के साथ है ना, यूट्यूब चैनल उसी का ही है, रिवेन्यू आएगा तो मेकअप कर रही है। मेरे जूते कैसे लग रहे हैं गाइस, नए सही जूते लग रहे हैं ना, बढ़िया। मैं भी टचअप करता हूँ और टचअप सही है। और अभी हम ऐसे ही, मैं तो ये अपनी स्वेटर पहन के आया था, तो हम पैनीज और डंस जा रहे हैं, नेहा को भी जंपर दिलाएंगे है ना नेहा, और मैं निक्कर लेनी है क्योंकि मैं निक्कर नहीं लाया, और स्विमिंग भी है नीचे इसलिए मुझे इसलिए शॉर्ट्स शॉर्ट्स लेनी है। तो 8 बजे तक स्विमिंग पूल खुला इनका है ना नया, 8 बजे तो एक बार यार तैराकी कराएगी, अगर इंडोर है, इंडोर ही होगा, आउटडोर होगा यार, हो सकता है जम जाएगी। हाँ बट अगर ऑन है इंडोर ही होगा, तो लेट्स गो डू सम टचअप और मैं स्विमिंग करके ही सोऊंगा। यस लेट्स गो। देख लो क्या सुंदर सजाई है उन्होंने कॉक सिटी को, एकदम नज़ारे ही नज़ारे, बिल्कुल एकदम मस्त सजाई यार हमारी डब्ल्यू नीति नहीं। और पता नहीं मुझे कॉक बहुत ज़्यादा सुंदर लगी यार, बहुत ज़्यादा, इनका ट्री भी क्या सही सजाया हुआ है। मेरी आवाज़ पता नहीं धीरे आ रही है क्योंकि थोड़ी हवा बारिश हो रही है, तो बट वेरी प्रिटी यार सच में भाई, ट्री देखो कितना प्यारा सजाया हुआ है। यो गाइस गुड मॉर्निंग, नेहा गुड मॉर्निंग कर दे सबको, गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग आए हैं रिवरली होटल में, कल रात को दिखाया था ना, आज हम नाश्ता कर रहे हैं वहाँ पे, ये देखो एकदम फैंसी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम लोग, एकदम आयरिश ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अभी ऑर्डर भी करा है, एग्स बेनेडिक्ट एवोकाडो टोस्ट एंड पैनकेक्स। हाँ यहाँ पे ये देखो मस्त एकदम सब कुछ लगा रखा है इन्होंने, अब हम खाते हैं और खाते हैं और चलते हैं हम अपनी मंजिल की ओर। D50 गाड़ी वापस करती है। लेट्स गो गाइस, फ्रूट्स आ रहे हैं, फ्रूट्स।